नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर किरण लता डंगवाल, शिक्षा शास्त्र विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से NIOS के स्टूडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज का चर्चा का विषय पर्यावरण अध्ययन और मूल्य, हमारे पर्यावरण का महत्व भारतीय परंपरा के रूप में। चलिए तो बात करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन और मूल्य। यदि हम पर्यावरण अध्ययन की बात करें या पर्यावरण की बात करें, तो मूल्यों को समझने से पहले पर्यावरण यानी परिवेश के विषय में जानना अति आवश्यक है। पर्यावरण अध्ययन परिवेश के सामाजिक और भौतिक घटकों की अंतःक्रिया का अध्ययन होता है, और जब हम इन घटकों का अध्ययन करते हैं तो इन घटकों के विषय में जानना भी आवश्यक है। अगर हम सामाजिक घटकों की बात करें तो संस्कृति, भाषा, मूल्य, दर्शन, ये सारी चीज़ें सामाजिक घटकों में आती हैं। और जब हम अगर प्राकृतिक या भौतिक घटकों की बात करें तो जो हमारे आसपास हवा, पानी, मिट्टी, धूप, पशु पक्षी, खनिज, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। अब पर्यावरण अध्ययन को अगर हम देखें, यहाँ पे दो चीज़ों की विशेष तौर पे बात हो रही है, एक तरफ प्रकृति और दूसरी तरफ मनुष्य। तो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मानव और इसके द्वारा निर्मित समाज या सामाजिक क्रियाकलापों का अध्ययन होता है, और दूसरी तरफ प्रकृति और उसकी कार्यप्रणाली, इस इनके बीच में इसके पीछे के जो नियम होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। तो पर्यावरण अध्ययन को अगर हम समझें तो इन दोनों चीज़ों का आपस में जो पारस्परिक क्रिया होती है, जो हम अंतःक्रिया होती है, यही हमारा पर्यावरण अध्ययन है। अब ये किस तरह से बच्चों में मूल्यों का विकास कर सकते हैं, कैसे हम सीख सकते हैं, कैसे इन चीज़ों को जान सकते हैं, इसके विषय में बात करेंगे। जब हम पर्यावरण अध्ययन की बात करते हैं तो इसमें पर्यावरण अध्ययन में कौन कौन से ऐसे मूल्य हैं जो उसमें निहित होते हैं, जैसे कुछ उदाहरण के तौर पे कि जीवन के सभी रूपों के लिए बच्चों में आदर का भाव विकसित करना, विविधता की जितनी भी सराहना की जाए, जो यानी हर एक मनुष्य, हर एक चीज़, हर परिस्थिति, हर स्थिति एक दूसरे से भिन्न है, तो इन चीज़ों के विषय में बताना। इसके अलावा कि जो विभिन्नताएं होती हैं, जो एग्जिस्ट करती हैं, जो कि समाज में होती हैं, जो पर्यावरण में होती हैं, उसको स्वीकार करना। क्योंकि बच्चों को जब तक हम ये नहीं सिखाएंगे कि ये विभिन्नताएं हैं, और ये क्योंकि अगर जिन चीज़ों को हम स्वीकार नहीं करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन मूल्यों को, जीवन को प्रभावित करने लगती हैं। इसी प्रकार से भांति भांति के जो विचार होते हैं, हमारे विचार दूसरे हो सकते हैं, किसी अन्य मनुष्य के विचार दूसरे हो सकते हैं, ऐसे ही बच्चे जो अलग अलग परिस्थितियों से आते हैं उनके विचार भी अलग अलग हो सकते हैं, तो उन विचारों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करना कि जो विचार हैं वो उसके अपने हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ सही या गलत नहीं हो सकती है, क्योंकि हर एक चीज़ों को सीखने का, हर एक विचारों का संदर्भ अलग अलग होता है। कोई बात हमारे लिए अच्छी हो सकती है तो वही बात हो सकता है दूसरे के लिए बहुत अच्छी ना हो। इसी प्रकार से शांति, सद्भाव, सहनशीलता, ये सारे जो मूल्य होते हैं ये हमारे पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आते हैं और उसमें निहित होते हैं। जब पर्यावरण संबंधित इन मूल्यों की समझ एक अध्यापक होने के नाते बच्चों में विकसित करना अति आवश्यक है, क्योंकि ये शिक्षक का कर्तव्य होता है कि हम किस तरह से पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से बच्चों में इन मूल्यों का विकास करें। जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति की हर चीज़, हर घटक उसका अपना अपना कार्य कितनी खूबसूरती के साथ करता है, अगर ये बच्चों को हम दिखाएं, समझाएं, तो बच्चों में बहुत सारे मूल्य अपने आप विकसित होने लगते हैं। लेकिन चलिए, इसकी चर्चा करने से पूर्व ये जानना आवश्यक है
कि आखिर मूल्य क्या होते हैं। क्योंकि जब हम मूल्यों की बात करते हैं तो बालक में जो मूल्य हैं, शिक्षक अधिगम के दौरान उन पर अच्छे या बुरे का लेबल नहीं लगा सकते, क्योंकि जो भी मूल्य बच्चे लेकर आते हैं या बच्चे जो भी मूल्य उनमें निहित होते हैं, हर एक का कोई ना कोई संदर्भ होता है। वो कभी भी वो अपने अनुभवों से, जो अपने माहौल से आता है, वो सभी चीज़ें बिल्कुल अलग अलग होती हैं। मूल्य निर्धारण के पर्यावरण के जो उद्देश्य से संबंध होता है, पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य विद्यार्थी और उसके चारों ओर के वातावरण में गहरा संबंध बनाने की ओर इंगित करता है, यानी उसको लक्षित करता है, बताता है कि ये क्या है। इसी प्रकार से पर्यावरण के बारे में ज्ञान पर्यावरण के लिए सकारात्मक क्रियाओं के लिए काफ़ी नहीं होता है। केवल ये बता देना कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण की जितनी भी अच्छी बातें हैं वो सब बताना, उनकी क्रियाओं का बताना, यही काफ़ी नहीं होता है बच्चों के लिए, बल्कि पर्यावरण के प्रति अनुकूल मनोवृत्तियाँ तथा मूल्य भी विकसित होने चाहिए। और ये कैसे करना चाहिए, इसके लिए हम आपसे अभी बातचीत करते हैं। पर्यावरण अध्ययन में वे कौन से मूल्य हैं जिनका विकास बच्चों में किया जाना चाहिए। इन पर्यावरण संबंधित मूल्यों की समझ एक शिक्षक को बच्चे के लिए उचित अनुभवों की योजना बनाने और संयोजन करने में सहायक होती है। अब मूल्य क्या होते हैं, इसके बारे में पहले जान लें कि जब हम छोटी छोटी चीज़ों को पर्यावरण के संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं तो उससे पूर्व ये जानना आवश्यक है कि मूल्य क्या हैं। मूल्य मनुष्य के सबसे शक्तिशाली प्रेरक हैं तथा व्यवहार पर सामान्य तौर पर प्रभाव डालते हैं। मूल्य ही निश्चित करते हैं कि हमें किसको अच्छा, सही या स्वीकार्य समझना है। बच्चों के जीवन में प्रारंभिक स्तर पर ही प्रेक्षण, अन्य लोगों और जो भी परिवार, समुदाय, समाज के साथ पारस्परिक क्रियाओं के द्वारा पर्यावरण में अपने प्रत्यक्ष अनुभवों द्वारा मूल्यों का विकास हो जाता है। यदि बच्चों के परिवेश में नैतिकता के तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होंगे तो परिवेश में जिन तत्वों की प्रधानता होगी वे ही बच्चे के जीवन के अंश बन जाते हैं। ये आप सभी जानते हैं कि यदि बच्चा प्रतिदिन के माहौल में देखता है कि कोई चीज़ गलत हो रही है तो वो धीरे धीरे उन चीज़ों को अपने जीवन में समाहित कर लेता है। इसलिए ये अति आवश्यक है कि आसपास का पर्यावरण इस प्रकार का हो कि बच्चे जब भी अपने जीवन का अंश बनाए उस चीज़ को तो वो सही हो, अनुकूल हो और उसके जीवन को विकसित करने वाली हो। इसीलिए कहा भी जाता है कि मूल्य पढ़ाए नहीं जाते हैं, अधिग्रहित किए जाते हैं। यानी जो संस्कार भी हम घर में देते हैं वो दिए नहीं जाते हैं, वो जिए जाते हैं। यानी कि जब हम इन सब की बात करते हैं, जब मूल्यों को अधिग्रहित करने की बात करते हैं तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। क्योंकि जब भी हम विद्यालय की या समाज की या परिवार की बात करते हैं तो बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि ज़्यादातर समय हम बच्चे के बौद्धिक विकास पर ध्यान देते हैं। हम ये ध्यान नहीं रखते हैं कि बौद्धिक विकास के साथ साथ उसके जीवन में मूल्यों का भी विकास हो। शिक्षा शिक्षार्थी में बोध जागृत नहीं करते हैं। अतः ये बहुत आवश्यक है कि उसके अंदर कुछ इस तरह की जिज्ञासाएँ पैदा की जाएँ कि वो सत्य को खोजने के लिए स्वयं प्रेरित हो, उसको आत्मज्ञान हो, उसको पता हो कि हमारे नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य क्या हैं, कैसे इनको विकसित किया जाए। ये एक शिक्षक का कर्तव्य है, एक परिवार का कर्तव्य है, एक समाज का कर्तव्य है। अगर इनके विस्तार की बात करें, नैतिक मूल्यों के विस्तार की, तो ये पूरे कह सकते हैं कि पूरे विश्व में, प्रत्येक वातावरण में, सभी जगह निहित होते हैं। यानी एक व्यक्ति से लेके विश्व तक जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं होता है जहाँ पर कि ये मूल्य न होते हों। इसके अतिरिक्त जो भी, जैसे जो व्यक्ति है, परिवार है, समाज है, ये सारी जगहों पे ये मूल्य पाए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि सामाजिक जीवन में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आ रहा है और गौतम बुद्ध जी ने भी कहा था
कि परिवर्तन ही एक ऐसा नियम है जो कि अपरिवर्तनीय है और जो बहुत सत्य है। वो समय के साथ साथ प्रत्येक चीज़ों में परिवर्तन आता ही रहता है और इन्हीं परिवर्तनों के कारण समस्याओं बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने आ गई हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि नवीन और प्राचीन के मध्य जो भी हमारी पुरानी चीज़ें हैं, जो हमारे नई चुनौतियाँ आ रही हैं, जो चीज़ें हमें जानने और समझने का प्रयास करना चाहिए, इन दोनों के बीच में जो अंतःक्रिया संभव बनाता है वो मूल्य ही है, मूल्य सेतु की तरह कार्य करता है। अतः नैतिक मूल्यों के कारण ही समाज में संगठनकारी शक्तियाँ व प्रक्रियाएँ गति पाती हैं और विघटनकारी शक्तियों का क्षय होता है। अब हम देखें कि बच्चों में मूल्यों का विकास कैसे होता है। इसको जानने से पहले ये जानना अति आवश्यक है कि मूल्यों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, किस किस तरह के मूल्य होते हैं कि जो बच्चों में पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से विकसित किए जाएं। मूल्यों के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कि सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, नैतिक मूल्य, वैश्विक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, मानवीय मूल्य। थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं कि ये मूल्य आखिर क्या होते हैं। जैसे कि हम अगर बातचीत करें कि मानवीय मूल्य, यानी जब हम प्रकृति के संदर्भ में मानवीय मूल्यों की बात करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, एक शिक्षक होने के नाते बच्चों में ये बताना बहुत आवश्यक है कि मानव के लिए प्रकृति, ये उनको इसका संप्रत्यय देने के बजाय हमें बताना चाहिए कि प्रकृति में मनुष्य, कि मनुष्य भी प्रकृति का ही एक घटक है, प्रकृति का ही एक रूप है, प्रकृति में ही उसका जन्म हुआ है, प्रकृति के लिए ही है, यानी प्राकृतिक चीज़ों में कैसे समाहित है और किस प्रकार से उसको जीवन जीना चाहिए, कैसे प्रकृति की हर एक चीज़ से उसको शिक्षा लेनी चाहिए और अपने में मूल्यों का विकास करना चाहिए। तो बच्चों में इसका ज्ञान देना अति आवश्यक है कि मानव के लिए प्रकृति नहीं है बल्कि प्रकृति में मनुष्य है। इसी प्रकार से जब हम सामाजिक मूल्यों की बात करते हैं तो प्रेम, करुणा, सहिष्णुता, न्याय आदि जो बुनियादी शिक्षाओं को पर्यावरण शिक्षा में बुना होना चाहिए, इन मूल्यों को पाला जाना चाहिए ताकि इस धरती पर सभी प्रकार के जो जीवन है, जो जैव विविधताएं हैं, वो सुरक्षित रह सकें। इसके अतिरिक्त जब हम सांस्कृतिक मूल्यों की बात करते हैं तो जो कुछ रीति रिवाज, जो अनुष्ठान, जो भी चीज़ें हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, किस प्रकार से इनके द्वारा प्रकृति की रक्षा की जा सकती है, किस प्रकार से इनका पालन पोषण करना चाहिए, ये भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों को ये सिखाने की बहुत आवश्यकता है कि अगर कहीं पर पानी के स्रोत हैं तो उनको सुरक्षित कैसे रखा जाए, कैसे उनका संरक्षण किया जाए, कैसे उसको बचाया जाए, इनको हम अपने सांस्कृतिक रीति रिवाजों से जोड़कर अगर उन्हें बताएंगे तो उनमें इस तरह के मूल्यों का विकास हो सकता है। इसी प्रकार से अगर हम नैतिक मूल्यों की बात करें तो पर्यावरण शिक्षा में मानव केंद्रित विश्व दृश्य के बजाय पृथ्वी केंद्रित मूल्यों को शामिल किया जाना चाहिए। शिक्षा प्रणाली में पृथ्वी नागरिकता की सोच को बढ़ावा देना चाहिए तथा विश्व कल्याण के विषय में सोचना चाहिए। विश्व कल्याण का तात्पर्य है कि स्वयं का विकास, स्वयं की प्रकृति का विकास, अपने आसपास का, यानी हम जब अपने लिए करते हैं तो विश्व के लिए करते हैं और विश्व के लिए सोचते हैं तो स्वयं के लिए भी करते हैं। इसी प्रकार से हम संपूर्ण, यानी अगर हम वैश्विक मूल्य की बात करें तो संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है, इसका संप्रत्यय भी बच्चों को ज़रूर देना चाहिए। और संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है यानी कि अगर हम प्रकृति के साथ यहाँ पे कोई छेड़छाड़ करते हैं तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं पूरे विश्व पर पड़ता है। ये नहीं है कि भारत के एक हिस्से में अगर हम प्रदूषण को ध्यान में न रखें तो वो दूसरे क्षेत्र को प्रभावित नहीं करेगी। तो इसलिए संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है, अतः हर संभव प्रयास करना चाहिए कि बच्चों में ये भावना विकसित की जाए
कि हम पर्यावरण की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें जिससे कि विश्व कल्याण हो सके। अब बात करते हैं आध्यात्मिक मूल्यों की, यानी बच्चों को छोटी छोटी बातों का ज्ञान देना अति आवश्यक है, जैसे कि स्वसंयम, आत्म अनुशासन, संतोष, इच्छाओं की कमी, लालच, पारस्परिक और धार्मिक रूप से जो गहन तरीके से बुने गए बेहतरीन तत्व हैं, इनको कैसे अपने जीवन में समाहित किया जाए, हमारे अंदर उपभोक्तावादी दृष्टिकोण न पैदा हो, यानी बच्चों को इन बातों का ज्ञान कराना बचपन से ही आवश्यक है। क्योंकि बच्चा अगर बचपन में जब उसकी उम्र होती है, जब हम एक कुम्हार की तरह उसको एक बहुत ही सुंदर ढांचे में ढाल सकते हैं, उस समय उसको इन चीज़ों का ज्ञान देना अति आवश्यक है कि आत्म अनुशासन कैसे करें। क्योंकि अगर हम तीन मुख्य बातों का ध्यान रखें, बच्चों को सिखाएं कि आत्म प्रबंधन कैसे करें, यानी अपनी चीज़ों को हम एक समय सारणी के अनुसार एक समय का प्रबंधन का ध्यान रखें, फिर उसको बताएं कि अगर वो समय पे कोई चीज़ नहीं कर पा रहा है तो स्वयं का निरीक्षण करे कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है और ऐसे न हो पाने के कारण क्या क्या हैं। निरीक्षण करने के बाद वो अपने व्यवहार में कैसे परिमार्जन लाए, कैसे इन चीज़ों को सीखे। तो ये तीन बातों का अगर हम ध्यान रखते हुए बच्चों को ज्ञान दें तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से हम लोग मूल्यों का विकास कर सकते हैं। अब मूल्य पर आधारित जो मूल्य की शिक्षा होती है, मूल्य आधारित पर्यावरण शिक्षा हमारी मानसिकता, हमारे दृष्टिकोण और हमारी जीवन शैली में पूरी तरह से परिवर्तन लाती है। जो बच्चा होता है उसके जीवन शैली को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, अतः शिक्षक को इसको समझने की आवश्यकता है और ये ज़रूरत है कि किन विधियों को अपनाया जाए कि बालक में पर्यावरण के संदर्भ में मूल्यों को विकसित किया जा सके। और ये विधियाँ जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब हम उसको कोई विषय पढ़ाएं, क्योंकि बाल्यावस्था की जो उम्र होती है वो 6 से लेकर 8 वर्ष तक की होती है, तो उसमें बच्चे को हम एक औपचारिक शिक्षा में उसको एक विषय के रूप में भी पढ़ा सकते हैं, जैसे कि पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में, तो उसमें हम कुछ ऐसी बातों को डालें जिससे कि उसमें मूल्यों का विकास हो सके और साथ साथ हम इसी चीज़ को अन्य विषयों के साथ एकीकृत करके भी उसको शिक्षा दे सकते हैं। जैसे जन मीडिया के माध्यम से भी बच्चों में मूल्यों का विकास किया जा सकता है, जैसे पर्यावरण से संबंधित छोटे छोटे क्लिप्स, छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बच्चों को दिखाकर उनमें मूल्यों का विकास किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो जो योजनाकार होते हैं या जो पॉलिसीज़ को बनाते हैं या जो नेता हैं या जो हमारे समाज के जो बहुत उच्च पदासीन लोग हैं, अगर वो छोटी छोटी कार्यशालाओं को कराने में सहयोग करें या जनता के साथ मिलकर छोटी छोटी कार्यशालाएं जिसमें कि पर्यावरण के साथ या परिवार जो पर्यावरण पर जो हमारा एक प्राकृतिक माहौल होता है उसको बना के और फिर उसमें बच्चे को शिक्षा दें, बच्चों को अनुभव कराकर चीज़ों का ज्ञान दें, तो बच्चे बहुत अच्छी तरह से सीखते हैं और बच्चों में मूल्यों का विकास हो सकता है। अब अगर हम इसको भारतीय धरोहर के रूप में देखें, मूल्यों को समझें, तो पर्यावरण संरक्षण भारत की धरोहर में ही निहित है, हमें ये मूल्य विरासत में मिला है। जैसे ऋषि अथर्व द्वारा लिखे गए पृथ्वी सूत्र में भी कहा गया है कि धरती को उन्होंने माँ कहा है और जो समस्त इसमें रहने वाले प्राणी हैं उनको बालक की संज्ञा दी है। तो यानी कि जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं, जो हमारे जो महापुरुष लिख गए हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं पर्यावरण को संरक्षित करने का उद्देश्य रहा है। पर्यावरण के विषय में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। अथर्व वेद में भी वासुदेव कुटुंबकम की संकल्पना दी गई है। अगर हम देखें तो भारतीय परंपरा में भारत में हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने, साल
जो सांस्कृतिक मान्यताएं होती हैं उससे ओत प्रोत तथा सांस्कृतिक संदेशों से संबंधित है। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे तीर्थ स्थल हैं जिनमें कि ये प्रावधान रखा गया है कि लोग यहाँ आए तो जो प्राकृतिक संदेश देना चाहते हैं बच्चों को, मनुष्यों को, वो दे सकें। सारे तीर्थ स्थानों में कोई विशेष बात प्रकृति से संबंधित जरूर कही गई है, जैसे वहाँ की भौगोलिकता, पर्यावरण का ज्ञान, मनोरंजन के स्थल, अभ्यारण, अरण्य, सरोवर, झील, इन सभी के दर्शन करने से बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक चीज़ों को बच्चा समझ सकता है और उसमें मूल्यों का विकास हो सकता है। अब भारतीय धरोहर और चिंतन की जब हम बात करते हैं तो चाहे वो हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन, इस्लाम, ईसाई, सिख, कोई भी धर्म हो, सभी में प्रकृति के साथ सद्भावपूर्ण संबंध बनाकर रहने को पर जोर दिया गया है। ऐसे ही ऋग्वेद की एक सूक्ति में भी कहा गया है कि हम पृथ्वी के महान उपहारों का नमन करते हैं, यानी हर जगह प्रकृति ने जो कुछ हमें दिया है उसके बारे में कुछ न कुछ हर एक ग्रंथ में, हर एक धर्म में ये बात कही गई है। और अगर हम बहुत सारे अपने महान ग्रंथों को देखें जैसे महाभारत, रामायण, भगवद गीता, इन सब में भी पर्यावरण संतुलन पर कुछ संदेश दिए गए हैं और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहने के लिए पर भी जोर दिया गया है। तो देखिए कितनी छोटी छोटी बातों को हर ग्रंथ में समाहित किया गया है, जो चीज़ें आज के दौर में हमारे लिए कष्टकारी हो रही हैं, जिन चीज़ों पर हमने ध्यान नहीं दिया है कि जिन चीज़ों का हम सही तरीके से संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं, इसका संदेश आज से कितने वर्षों पूर्व हमारे ग्रंथों में हमारे ऋषि मुनियों ने दिया था, जिस पे कि हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। और ये छोटी छोटी बातों को बालकों को बताना अति आवश्यक है, जिससे कि वो भविष्य में अपनी चीज़ों को, अपने प्रकृति को, अपने आसपास के पर्यावरण को पूरा सुरक्षित रख सकें, संरक्षित रख सकें। इसी प्रकार से रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी कहा था कि प्रकृति से अलग शिक्षा बालकों के लिए बहुत हानिकारक होती है, अर्थात प्रकृति में रह के ही बच्चों को सिखाना चाहिए। ये नहीं कि हम उनको एक चार कमरे की या चार दीवारी के अंदर जो शिक्षा दे रहे हैं वो कभी भी उनके लिए बहुत लाभकारी नहीं होती है, बल्कि वो शिक्षा अधिक लाभकारी होती है जो कि हम प्रकृति के बीच में ले जाकर उनको सिखाते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने हमेशा इसके विषय में ही बात की। इसके अतिरिक्त अगर हम और आगे देखें तो जो जो हमारे महान लेखक हुए, जो कवि हुए, जैसे कालिदास, सूरदास, तुलसीदास, बहुत सारे, उन्होंने भी अपनी रचनाओं में प्रकृति के विभिन्न चित्रण दिए हैं। उन्होंने प्रकृति को मानव के रूप में प्रदर्शित किया, प्रकृति के बारे में बताया, बहुत सुंदर सुंदर उनकी कविताएं, उनके ग्रंथ, उनकी लेख को अगर हम देखें तो ये प्रकृति के विषय में बहुत अच्छा ज्ञान और संदेश देते हैं जो कि बच्चों में मूल्यों को विकसित करने में बहुत सहायक होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इतने सारे जो ग्रंथ, जो पुरानी बातें जो जिसमें लिखी गई हैं, जैसे इस सभी में ये बताया गया है कि पेड़ पौधे जीव जंतुओं पर दया करने की इनमें सीख दी गई है। कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें कहा गया हो कि हम अपने प्राकृतिक चीज़ों को कष्ट दें, तो इसलिए उन चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त जितनी भी चीज़ें जो हमारे घरों में होती हैं, जैसे गेहूं है, दाल है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे किचन में होती हैं, उनका भी हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। और सभी को संरक्षित करने के उद्देश्य से इनको किसी न किसी दिन, किसी न किसी त्यौहार और किसी न किसी देवी देवताओं के साथ जोड़ दिया। जो हमारे प्राचीन साहित्य हैं वो ये बताते हैं कि इन चीज़ों का महत्व क्या है, क्यों है, और इनको जब तीज त्यौहारों के साथ जोड़ दिया गया तभी इन चीज़ों का सही मूल्य पता चला कि क्यों ऐसा किया गया। इन चीज़ों का, इन छोटी छोटी बातों का ज्ञान भी एक शिक्षक होने के नाते बच्चों को देना चाहिए, बच्चों में विकसित करना चाहिए। अधिकतर जो शास्त्र हैं उनमें औषधि के रूप में फलों, जड़ी बूटियों की रक्षा करना, इन सब की बात भी कही गई है।
इन्हें घरों के आसपास लगाने की शिक्षा भी ज़्यादातर जो हमारे ग्रंथ हैं उसमें कहा गया है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जितने पेड़ पौधे हमारे आसपास होंगे उतना ही अच्छा हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य होगा, उतना ही अच्छा बच्चे का विकास होगा, उतने ही अच्छे मूल्य बच्चे में विकसित होंगे। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि जैसे अगर हमारे घर के आसपास अगर हम देखें कि इस प्रकार के जो वृक्ष होते हैं जैसे इमली, बरगद, नीम, अशोक, आंवला और अर्जुन, इस तरह के बहुत सारे जो पेड़ पौधे हैं अगर हमारे घर के आसपास होते हैं तो कहीं ना कहीं ये मनुष्य के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करते हैं और सबल बनाते हैं। जैसे हम कक्षा में देखें तो बच्चों को इस तरह की छोटी छोटे जो क्रियाकलाप हैं उनको करा के हम बता सकते हैं कि कैसे ये हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और कैसे इन चीज़ों का हमें फ़ायदा मिलता है। इसी प्रकार से हमारे पुराने ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि पशुओं से भी प्रेम करना चाहिए। गायों का क्या महत्व होता है? भारतीय संस्कृति में 10 अवतार में से ये बताया गया था कि कुछ अवतार हैं, जो 4 अवतार हैं वो पशुओं के अवतार थे, यानी कि पशुओं की महत्ता को बताया गया है कि कैसे ये भी मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। गाय की महत्ता को बताया गया है कि किस प्रकार से अगर गाय आपके आसपास रहती है तो पर्यावरण को कैसे शुद्ध रखती है। तो जब हम बच्चों को इस तरह की बातें बताएंगे तो बच्चों में मूल्यों का विकास किया जा सकता है। भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण में प्राचीन भारतीय परंपराओं का विशेष योगदान है। जितने भी हमारे ऋषि मुनि थे इन्होंने प्रकृति के जो समग्र शक्तियों को जीवनदायिनी के रूप में स्वीकार भी किया और इन्होंने उनको देवता का स्थान भी, जैसे कई बार उन्होंने कहा कि अगर पेड़ पौधे हैं तो इनमें कोई ना कोई इस तरह की शक्ति है जो कि हमको जीवन देती है। इसी प्रकार से अगर हम अपने आसपास के पर्यावरण को देखें तो उसमें जल और वायु और अग्नि, इनका भी बहुत महत्व होता है। जैसे कि अगर हम जल की बात करें, अगर हम छोटी छोटी बातें बच्चों को बताएं, जैसे कि ऋग्वेद में भी कहा गया है कि जल अमृत है और जल में औषधीय गुण विद्यमान होते हैं। वायु की भी उसमें बात की गई है, वेदों में वायु की भी स्तुति की गई है जिसमें कि जीवों के निरंतर विकास के लिए सम्यक विकास जिस होता है। और इसमें कहा भी गया, एक लोकोक्ति भी है कि जब तक सांस तब तक आस। सांस यानी हमारी जो आसपास की वायु है वो सांस लेने योग्य होनी चाहिए, वो कैसे हो इसकी शिक्षा बच्चों को देना भी आवश्यक है। इसी प्रकार से अग्नि के विषय में कि अग्नि की क्या भूमिका होती है हमारे पर्यावरण में, ऋग्वेद में भी अग्नि को पिता के समान कल्याण करने वाला कहा गया है, क्योंकि अगर हम इसको सही रूप में प्रयोग करें तो ये बहुत फायदेमंद होती है। अब इसी प्रकार से अगर हम देखें तो शिक्षक की भूमिका क्या होती है बालकों में मूल्यों को विकसित करने में, बालकों में जागरूकता लाने में। जैसे बच्चों को ये शिक्षा शुरू से ही देनी चाहिए, उनके बाल्यकाल से ही देने चाहिए कि पौधों का क्या महत्व है हमारे जीवन में। तो उनको छोटी छोटी क्रियाएं करानी चाहिए कि बच्चों को पौधारोपण के लिए बताना चाहिए, जैसे कि बच्चे का जन्मदिन है तो बच्चे को एक पौधा लगवा दिया। इसी प्रकार से कोई अतिथि घर पे आता है या कोई आयोजन किया जाता है तो उसमें एक पौधा देना चाहिए। तो ये शिक्षा बच्चों को बार बार देनी चाहिए जिससे उसको पता चले कि पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। कई बार क्या होता है, सड़कें बनती हैं, इमारत बनती हैं और पेड़ पौधों को बेरहमी से काट दिया जाता है, तो उन पेड़ पौधों के एहसास को भी बच्चों को एहसास कराना चाहिए कि इनको कटने न दें या इनको संरक्षित कैसे रखें, कैसे इनको बचाते हुए बाकी चीज़ों का निर्माण करें। हमारे घर आंगन में भी पेड़ पौधों के लिए स्थान होना बहुत आवश्यक है, ये भी बच्चों को ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा पानी का संरक्षण कैसे किया जाए, पानी के संरक्षण के लिए कई बार क्या होता है कि बच्चों को हम प्रारंभ से ही शिक्षा नहीं देते हैं, नल चल रहा है, ब्रश कर रहे हैं,
तो ये छोटी छोटी बातें बताना भी शिक्षक का ही कर्तव्य है कि जब भी हम प्रयोग करें पानी का तो बहुत ही किफ़ायत से करें। जब भी किसी मेहमान को पानी दें तो आवश्यक नहीं है कि पूरा गिलास पानी दें। पानी अगर उस गिलास में बच जाता है तो उस पानी का प्रयोग हम गमलों में, पौधों में डालने में कर सकते हैं। किचन में बचे हुए पानी का प्रयोग, ये कार्य बच्चों से करवाना चाहिए। बच्चों से करवाने से क्या होता है, बच्चों में उन चीज़ों की महत्ता का ज्ञान होता है, उन चीज़ों के विषय में समझते हैं कि घर में अगर कभी भी पानी बचता है या कोई ऐसा पानी है जिसका प्रयोग नहीं हो रहा है तो उसको किसी भी तरह से बच्चों को बताना चाहिए कि इसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि वर्तमान प्राविधिक युग में, वर्तमान आधुनिक युग में जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, उसको बचपन से ही बच्चों में विकसित करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।